वेलकम बैक टू माई चैनल प्रिया सुनील ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम लोग कहीं जा रहे हैं और जहाँ जाएंगे आप लोग को दिखाएंगे और बताएंगे भी कहाँ जा रहे हैं, लेकिन तब तक आप लोग बताइए कि मैं कहाँ जा रही हूँ। ये देखिए हमारा मुंह कैसा देख रहा है, कह रहे हैं अरे रामो वीडियो बनाइए। चलिए ठीक है, जैसा होगा हम आपको बताते रहेंगे समय समय पे। हम लोग ट्रेन में बैठ गए हैं। किड़कीड़ा लगता है जब मैं पीता हूँ। इनको किड़कीड़ा लग रहा है, इसे आप ही पीजिए, लेकिन अभी बहुत ठंडा है तो थोड़ी देर बाद पीजिएगा। आज तो मैं ट्रेन में मिल गई है अभी, और हम लोग को तो ऑटो ही नहीं, वो ओला वगैरह ही नहीं मिल रहा था। एक ऑटो वाला बड़ी मुश्किल से पहुँचाया है ना। और ये बैठते ही इनका चालू हो गया है कुछ ना कुछ खाना पीना। और इनका देखिए ये भी अपना शुरू है, नहीं लगे हैं। ठीक है, हम आपको मिलते हैं बस थोड़ी देर में, अभी तो ट्रेन चल नहीं रही है, जब चलेगी तब हम आपको जो है दिखाएंगे। खुशी भी इधर लगी हुई है, ये भी लगे हुए हैं। ये ठीक है, बाय। देखिए मेरी मम्मा यहाँ पे मूँगफली खा रही है और ट्रेन चल पड़ी है, और मैं यहाँ पे अपने ट्रेन चलने के लिए मजे ले रहा हूँ। पापा क्या कर रहे हैं? अब पापा यहीं पे बैठे हैं। पापा के लिए ये पीएंगे स्प्रिट। खुशी ट्रेन अभी चलने लगी है तो खुशी जो है बढ़िया। ये दांत कैसे बनाई हो अपना? अच्छे से बनाओ, बात होती है। तो आप कहाँ जा रही हो अभी नहीं बताओगी ना किसी को? थोड़ी देर बाद बताना है ना। अभी खुशी ये सब खाने में लगी हुई है और खुशी के पापा भी बैठे हैं इधर। इधर देखिए, हेलो बता रही है नोएडा। चलिए ठीक है, हम आपसे मिलेंगे बस थोड़ी देर में। ये देखिए ट्रेन चलने लगी है, बस अभी चारबाग स्टेशन से छूटी हुई है, मतलब थोड़ी देर पहले ही। और अब इसका अगला स्टॉप कानपुर है, तो आप लोग को पता ही चल गया होगा कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। नहीं भी पता चलेगा तो ये देखो खुशी बता दी, नोएडा जा रही है, अपने कुणाल भाई के पास जा रही है। यहाँ पे देखिए मैं कुछ भी नहीं खा रही हूँ, और खुशी के पापा जी बढ़िया जो है पनीर और चावल खाई। देखो कैसे बता रही है, पनीर और चावल खाई थी आपके लिए, आपके लिए लिया गया था ना, तो खा लीजिए आप लोग भी खा लीजिए, अब आप खा लो। ये देखिए ये भी लगे हुए हैं बढ़िया खाने में, रबड़ी खाने में लगे हुए हैं। कह रहे हैं इसमें पेड़ा होता तो और मज़ा आता। इनको तो कानपुर से ट्रेन आगे चली गई है। क्या आप लोग जो है यहाँ पे आंटी जी और दीदी की देवरानी और मैं सब लोग मिलके यहाँ पे समोसा बना रहे हैं। आज दीपावली के दिन सबका समोसा खाने का मन था, तो आस्था बोली कि मौसी चलिए हम आपके फ़ोन में जो है रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, आप वॉइस ओवर कर दीजिएगा। मैंने बोला ठीक है कर दो। तो अपना सब समोसा बनाने और खाने में लगे हुए हैं, दीपावली की सुबह सुबह है ये। और आप लोग को भी हैप्पी दीपावली, आप लोग को भी मेरी तरफ से हैप्पी दीपावली, ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोग को। और यहाँ पे बच्चे देखिए मस्ती कर रहे हैं, दीदी के देवरानी की बेटी है और खुशी यहाँ पे, तो खुशी को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बढ़िया बैठ के खेल रही हैं, कहीं इधर उछड़ रही हैं कहीं उधर, मस्त मस्त हैं एकदम यहाँ पे खुशी। हेलो, आप लोग कैसे हैं? आप लोग देख सकते हैं मैं जहाँ आने की बात कर रही थी वहाँ पे आ गई हूँ। मैं जो है अपने दीदी के घर आई हूँ, और आस्था अभी नहाई नहीं है तो बोल रही है कि मुझे अभी नहीं लाना वीडियो में। और ये देखिए इधर आइए,
ये जो है नहा वहा के बढ़िया तैयार है। ये देखिए इसमें देखिए ये बढ़िया नहा के तैयार है एकदम मस्त। खुशी जो है नहा के यहाँ पे खेल रही है, दीदी की जो है देवरानी है के जो है लड़की है ना उन्हीं के साथ खेल रही है। और ये हमारे जीजा जी हैं, अभी आपको हम बैक कैमरे से दिखाते हैं। हमारे वही जीजा जी हैं जिनके बारे में हम एक वीडियो में बताए थे, वही जीजा जी हैं ये बड़े वाले जीजा जी। ये हमारे जो है पुत्र जी हैं, मतलब जो जीजा जी आपने देखे अभी फोटो में उन्हीं के ये बेटे जी हैं। और अपने मौसा जी के पास बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। और चलिए हम देखते हैं किचन में सब लोग क्या कर रहे हैं। आपको यहाँ पे कैसा लग रहा है आप बताइए? मस्त एकदम। ये यहाँ पे दूसरी बार आए हुए हैं, एक बार और आए थे ये हमें लगता 3 साल पहले या 4 साल पहले आए थे हम लोग, तब खुशी बहुत छोटी सी थी तब ये आए थे यहाँ पे। और अभी बच्चे बस नहा जा रहे हैं, बढ़िया नहा धो के तैयार होकर बैठे। हेलो। चलिए ठीक है, बढ़िया आराम से लेटे हुए भी लेटे रहो। ये देखो दीदी किचन में जो है खाना बनाने में लगी हुई है। ये देखिए क्या बना रही है दीदी? पनीर बना रही हूँ। मैं तो पनीर, आप लोग दीदी से तो मिले ही होंगे घर पे हम लोग जब गए थे। ये देखिए आंटी जी कचौड़ी बना दी है, मतलब दीदी की सासू माँ। कहाँ है भाई आंटी जी? अच्छा रंगोली बना रही हैं। ये देखिए इतना सुंदर सा मंदिर है। अंकल जी भी यहाँ लेट के बढ़िया कुछ देख रहे हैं फोन में, कुणाल इधर बैठे हुए हैं। ये देखो आंटी जी रंगोली बनाने में लगी हुई हैं। कितना सुंदर सा रंगोली बना हुआ है। रुको बेटा, ये अनाया, अनाया हाय बोलो। ये खुशी, खुशी हेलो बोलो। बाय बाय आस्था, चलो आ जाओ आ जाओ, सब लोग अंदर इधर आओ। अभी दिखाती हूँ। ये देखिए गेट बंद करो आस्था। ये देखिए कितना अच्छा कुणाल बनाया है, कुणाल। अच्छा अच्छा रंगोली ये दीदी की देवरानी बनाई है, बहुत अच्छी बनाई है। इधर आस्था बनाई है, इधर आंटी जी जो कुछ बचा हुआ है आंटी जी पूरा करने में लगी हुई है। आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज बताइएगा जरूर। और हम मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको हमारा चैनल ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।